बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ़ से सभी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। ये है मेरा एक अदद अबाया जो कि मैंने ईद के नमाज के लिए लिया है, और उसके बाद ये तो फ़िलहाल बच्चों के ड्रेस वगैरह पड़े हैं और नमाज कपड़े चेंज करके ईद की नमाज़ पढ़ने गए सारी फैमिली के साथ। और उधर से मैं आई थी सुबह के 9 बजे थे। मैंने बच्चों के ड्रेस व्रेस मतलब यहाँ पर रखे और वीडियो बनाने के लिए ये लुबान दुआ दे रही हूँ ताकि खुशबू आए। ये हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के निकल गए थे मस्जिद के लिए ईद की नमाज़ के लिए, क्योंकि वो रश होता है और गर्मी बहुत है, बाहर बैठना पड़ता है। फिर उससे अच्छा है तो हम अंदर एसी में चले जाएँ, तो इससे अच्छा हमें मौका फिर नहीं मिलता, इसलिए हम जल्दी चले गए फजर की बाद। ये देखें अभी तक अंधेरा था, हम लोग मस्जिद में चले गए थे सारे मिलके, अपनी सास के घर से जा रहे थे। और उसके बाद हमें अंदर जगह मिली अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नमाज। ये अभी हम रोड पार कर रहे हैं क्योंकि बड़ा रोड है, यहाँ पर गाड़ी जाते हैं, लेकिन इस टाइम इतनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी तो हम रोड पार कर रहे थे। हम मस्जिद में पहुँच गए थे तो हम जल्दी से जा रहे थे मस्जिद में ताकि रश ना हो, क्योंकि जल्दी रश हो जाता है ना, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जूतों की जगह। ये हम नमाज़ पढ़ के निकल गए थे, एक औरत थी वो ईदी बांट रही थी बच्चों को, तो हमारे सारे बच्चों को मिल गया था तो वो बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि उस साल ने मतलब छोटी ईद पर भी इसी ने ईदी बांटी थी, तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं उनको ईदी मिलती है। तो अब हम घर पर जा रहे थे। वो थे ईद के नमाज के कपड़े, और ये है ईद के पहले दिन के ड्रेस। मेरे बच्चों के चीज़ें हैं, मैं शेयर कर रही हूँ कैसे लग रहे हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।